शहर के यूकेजी के छात्र हर्ष के अपहरण हत्याकांड मामले में एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। स्कूल के ही कक्षा 10 के नाबालिग ने अपने 4 अन्य नाबालिग साथियों के साथ उसका अपहरण किया और हत्या कर दी। हर्ष का अपहरण करके पैसा वसूलना चाहते थे पांचों नाबालिग छात्र। क्राइम शो देखकर बनाई गई थी अपहरण की ये योजना। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी माध्यमों से पांचों नाबालिगों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। बुलंदशहर के छतारी में बीती 10 जुलाई निजी स्कूल से किया गया था 8 वर्षीय हर्ष का अपहरण। घटना के 24 घंटे अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र में रजवाड़े में पड़ा मिला था हर्ष का शव। क्या कहना है श्लोक कुमार, एसएसपी बुलंदशहर का, आइए देखें। सर, छतारी में जो हर्ष हत्याकांड हुआ था उसका क्या खुलासा हुआ है और क्या मामला प्रकाश में? ये थाना छतारी में एक एसआर इंटरनेशनल स्कूल पड़ता है जहाँ से कि 1-7 वर्षीय बालक गायब हुआ था और उसकी डेड बॉडी अलीगढ़ में मिली थी। इस संबंध में हमारी 6 टीमें काम कर रही थी इस घटना के अनावरण के लिए, जिनके द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। पूछताछ में और सीसीटीवी इत्यादि चेक करने के उपरांत ये बात प्रकाश में आई कि जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था उसी स्कूल का एक 10वीं कक्षा का छात्र था और उसके साथ उसके 4 अन्य साथी जो सभी के सभी नाबालिग हैं। इनमें से एक छात्र का कुछ आर्थिक नुकसान हुआ था, वो पेटीएम करते समय किसी गलत अकाउंट में पैसे चले गए थे, जिसके बाद इन सभी लोगों ने योजना बनाई कि वह एक छात्र का अपहरण करेंगे और उसके बाद उनके परिवार वालों से रैंसम वसूलेंगे, जिसके लिए इन्होंने ये घटना कारित करी। उस बच्चे को स्कूल आने के उपरांत सुबह सुबह ही वो मोटरसाइकिल पर बैठा कर वहाँ से ले गए और क्योंकि बच्चे द्वारा उनकी शिनाख्त कर ली गई थी, पहचान कर ली गई थी, इससे डरवश उन लोगों ने उस बच्चे की हत्या कर दी और उसके बाद उसे उस नहर में डाल दिया जिसमें की बॉडी उसकी बरामद हुई थी। पूछताछ में सभी इन बाल अपचारियों ने ये घटना करना कबूला है। साथ ही साथ कुछ इसमें महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिले हैं जिनके आधार पर इस बात की पुष्टि हुई। अन्य साक्ष्य व बयानों के आधार पर इन सभी बच्चों को हम लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अग्रिम विधि कार्रवाई करवाई जा रही है।